साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों आज इस खबर को मैं किस लिए प्रकाशित कर रहा हूं, जो कच्चे मकान वाले हो, कच्चे झोंपों वाले हो, छपरों वाले मकान हो, उनके लिए ये खबर अब प्रकाशित कर रहा हूं। साथियों दो दिन पहले अरब सागर की समुन्द्र की लहरों से एक तूफान उठा है। उस तूफान का नाम है दीप ज्योय तूफान। तो साथियों वो 12 जून को वो तूफान गुजरात में प्रवेश करेगा। गुजरात का प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया है और 13 जून को वो तूफान राजस्थान में प्रवेश करेगा। तो साथियों उस तूफान की रफ्तार है 175 किलोमीटर घंटे। तो राजस्थान का प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया है। हर टीवी चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है। तो साथियों मैं आपको ये तूफान की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, वो तस्वीर भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो उससे पहले इस खबर को साथियों फटाफट एक बार शेयर कर दो। तो साथियों ये दीप जो तूफान की तस्वीर है जो मौसम विभाग ने एक साइट पर जारी की है। दीप जो तूफान जो अरब सागर की समुन्द्र की लहरों से के साथ साथ ये तूफान उठा है। तो आप तस्वीरें देख लो साथियों, इसे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो साथियों उस तस्वीरों को, और सुनो ये खबर घर घर तक पहुंचनी चाहिए। सबसे ज्यादा ये खबर पहुंचनी चाहिए साथियों कच्चे मकान वाले, कच्चे झोंपों वाले हैं उनके घर तक ये खबर पहुंचनी चाहिए साथियों, क्योंकि 13 जून को वो जो तूफान उठा है वो राजस्थान में प्रवेश कर लेगा। तो साथियों फटाफट इस खबर को शेयर करो। मैं आपको बता देता हूँ पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया है। दीप जोई तूफान है, चक्रवर्ती तूफान, जिसे चक्रवर्ती तूफान कहते हैं, दीप जोई उसका नाम है। अरब सागर की समुन्द्र की लहरियों से ये तूफान उठा है। तो फटाफट इसको शेयर करो साथियों। 13 जून को राजस्थान में प्रवेश करेगा और किसी भी वक्त ये तूफान राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। तो साथियों मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा तूफान की जो अरब सागर से उठा है और इसने मौसम विभाग ने पूरा अलर्ट किया है। तो साथियों उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, उससे पहले फटाफट एक बार शेयर कर दो। धन्यवाद।